हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज, यहां पर आईपीएल 2020 के शुरू होने से पहले और नीलामी के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने यहां पर काफ़ी सारी बुरी खबरें तो पहले से ही आ चुकी थी, लेकिन ऐसे में इस वीडियो में मैं आपके लिए कोलकाता नाइट राइडर्स से रिलेटेड दो काफ़ी अच्छे अपडेट्स लेके आया हूं। तो अगर आप लोग केकेआर के फ़ैन हो तो आपको इस वीडियो को देखना है बिल्कुल लास्ट तक। उसके साथ ही अगर आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और आप उस नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर सकते हैं जिससे मेरी वीडियोज़ की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो गाइज़, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपडेट नंबर 1 की, और ये यहां पर जुड़ी हुई है कोलकाता नाइट राइडर्स के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नितीश राणा से। अब जैसे यहां पर नितीश राणा का नाम यहां पर एज फ्रॉड की लिस्ट में आया था, उनके साथ ही नाम आया था शिवम मावी का, और यहां पर जो अटकलें थी वो काफी ज्यादा तेज हो गई थी कि किस तरह से नितीश राणा और शिवम मावी के ऊपर 1 से लेकर 2 साल तक का बैन लग सकता है। और उसके बाद ये मामला बीच में ही लटकता हुआ नजर आया, जहां पर अब करीब 15-20 दिन हो चुके हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा टाइम यहां पर निकल चुका है, लेकिन BCCI की ओर से कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा है। अब गाइज, मैंने आपको अपने चैनल के ऊपर पहले ही अपडेट्स दी थी कि किस तरह से यहाँ पर कुछ अनफेयर हरकतें की जा रही हैं BCCI के द्वारा। यहाँ पर दिल्ली का जो क्रिकेट एसोसिएशन है उसके द्वारा भी कुछ ऐसी हरकतें की जा रही हैं, जहाँ पर हमने देखा था मनजोत कालरा का भी यहाँ पर एज फ्रॉड का चक्कर वाला केस सामने आया था, जिसमें मनजोत कालरा को इंस्टेंट इफेक्ट से यहाँ पर बैन कर दिया गया था। लेकिन अगर हम बात करें शिवम मावी की या फिर नितीश राणा की, तो अभी तक कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लिया गया है। और अगर सोर्सेज की माने, हालांकि यहाँ पर BCCI की ओर से भी डिसीजन नहीं आया है, लेकिन जो न्यूज सोर्सेज के अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग ये माना जा रहा है कि यहां पर शिवम मावी के ऊपर हो सकता है कि बैन लग जाए, लेकिन नितीश राणा के ऊपर बैन लगने की पॉसिबिलिटी जो है वो धीरे धीरे काफी कम होती जा रही है। तो इसका मतलब है कि नितीश राणा के यहां पर काफी ज्यादा हाई चांसेस बन रहे हैं कि वो KKR के लिए बिना किसी दिक्कत के यहां पर खेलते हुए नजर आएंगे। अब एक और जहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए अच्छी खबर है, वही मतलब ये थोड़ा सा अनफेयर डिसीजन भी लग रहा है, क्योंकि अगर आपने मनजोत कालरा को डायरेक्ट बैन किया है तो फिर नितीश राणा और शिवम मावी को आप यहां पर एटलीस्ट एक फेयर चांस तो उन्हें देना चाहिए था। खैर, यहां पर अब BCCI अगर कोई भी स्टेप्स नहीं लेती है तो हमें ये दोनों ही प्लेयर्स यहां पर KKR के लिए खेलते हुए दिखाई देंगे IPL 2020 में। दूसरी बड़ी अपडेट जो कि यहां पर KKR के लिए निकल कर आ रही है वो है यहाँ पर इनके लोअर ऑर्डर के ऑलराउंडर क्रिस ग्रीन से। अब क्रिस ग्रीन का BBL में यहाँ पर उनके बॉलिंग एक्शन के ऊपर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बैन लगा दिया था, और उनको 3 महीने का टाइम दिया गया अपनी बॉलिंग एक्शन में सुधार के लिए, उस एक्शन को एक स्पेसिफाइड एंगल पर लेके आने के लिए। और यहाँ पर फाइनली क्रिस ग्रीन ने उसकी अपनी जो गलती है यहाँ पर उसको सुधारने के लिए यहाँ पर वो चेन्नई आने को तैयार हो गए हैं। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ब्रेंडन मैकलम ने उनको सजेस्ट किया था कि वहाँ पर वो चेन्नई की अकेडमी में आ सकते हैं, जो कि यहाँ पर ब्रेंडन मैकलम की पहचान वाली अकेडमी है, और वहाँ पर आकर अगर फिर अपने एक्शन को चेक करवाते हैं तो उसके बाद उनका एक्शन यहां पर जल्दी से जल्दी ठीक किया जा सकता है, जिसके बाद वो चेन्नई में ही ICC के इंस्टीट्यूशन में अपना एक्शन अगर चेक करवा लेंगे तो उसके बाद वो वेरीफाई हो जाएंगे, और जिसकी बदौलत IPL में ना सिर्फ बैटिंग के लिए बल्कि बॉलिंग के लिए भी वो पूरी तरीके से एलिजिबल हो जाएंगे। और यहां पर ये फिक्स हो चुका है कि क्रिस ग्रीन बहुत जल्दी चेन्नई में आने वाले हैं, और उसके बाद वो यहां पर अपनी ट्रेनिंग वहां बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे। तो यहां पर क्रिस ग्रीन भी आपको IPL 2020 में KKR के लिए पूरी तरीके से खेलते हुए नजर आने वाले हैं। तो ये वीडियो यहीं तक थी, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे कर सकते हैं लाइक, इसके साथ ही कमेंट करके आप लोग मुझे बताओ कि आपके हिसाब से कोलकाता नाइट राइडर्स की परफेक्ट प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। तो मैं मिलता हूं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।